तो दोस्तों हम आज एक ऐसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम यूट्यूबर ने बताया होगा, साथ ही यह गाड़ी भारतीय बाजारों में देखने को नहीं मिलती है। अगर लेनी हो आप लोगों को तो विदेशों से इंपोर्ट करानी पड़ेगी। साथ ही अगर बात की जाए इसके फंक्शन और फीचर्स की, तो फंक्शन और फीचर्स सब यूनिक है इसके अंदर। साथ ही अगर देखा जाए तो गाड़ी के लुक एंड डिजाइंस की बात की जाए तो वह भी कंपनी के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज किए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए गाड़ी की प्राइस की, तो गाड़ी की प्राइस भी अच्छी खासी दे रखी है जो कि करोड़ों में। और बात की जाए इसके इंटीरियर की, तो यह गाड़ी एक 4 सीटर कार है। साथ ही अगर इसके अंदर की जो भी डिजाइंस हैं वो सब यूनिक तरीके से बनाई गई है। हम आज बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा ब्रांड माना जा सकता है। इसे आप लोग स्पोर्ट कार भी बोल सकते हो। साथ ही अगर बात की जाए तो एक लग्जरी सेगमेंट के लिए भी सबसे बेस्ट कार मानी जा सकती है। अगर हम इसके इंजन के बारे में बताएं इसको थोड़ा बहुत, तो इसके अंदर आप लोगों को 3982 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। अगर माइलेज की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को 10.1 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देती है। यह गाड़ी ओनली फॉर पेट्रोल में आती है। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे एस्टन मार्टिन की कार के बारे में। तो हम आज बात करेंगे एस्टन मार्टिन के DBX ट्विन टर्बो वेरियंट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हुए इसके फंक्शन और फीचर्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एक शोरूम प्राइस की। अगर इसके एक शोरूम प्राइस की बात की जाए दोस्तों, तो इस वाले वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस 3.82 करोड़ रुपए रखी गई है। ये तो इसकी एक शोरूम प्राइस है। अगर बात की जाए इसके इंजन के बारे में, तो दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को 3982 सीसी का 8 सिलेंडर इन वी शेप DOHC इंजन देखने को मिलता है। अगर आप देख ही सकते हो जिस प्रकार से इसका इंजन बनाया गया है, शायद किसी ट्रैक्टर की पावर रहती है उससे भी ज़्यादा पावर है। ट्रक की पावर मान लो आप इसके अंदर 3982 सीसी, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर बात की जाए इंजन टाइप की, तो कंपनी इस इंजन को ट्विन टर्बो V8 इंजन कहती है। साथ ही यह गाड़ी पेट्रोल वर्जन के साथ आती है। अगर मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो इतनी ज़्यादा मैक्सिमम पावर है इसकी। जैसे कि इसकी मैक्सिमम पावर है 542 BHP 6500 RPM। अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो 700 Nm 2000 RPM। साथ ही अगर गाड़ी की माइलेज की बात की जाए तो यह गाड़ी मात्र 10.1 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देती है। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से इसका इंजन है उस हिसाब से तो आप लोगों को माइलेज बहुत ही अच्छा दे रही है। यह गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। इसके चारों टायर काम करते हैं। अगर बात की जाए इस वाले वेरिएंट के अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम की, तो इसके अंदर आप लोगों को ऑटोमेटिक DCT 9 गियर ट्रांसमिशन सिस्टम देखने को मिलता है। साथ ही अगर अदर फीचर्स के बारे में बात की जाए, तो अदर फीचर्स के अंदर आप लोगों को इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम देखने को मिलता है। अगर बात की जाए इसके डायमेंशन सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों इसकी लेंथ लगभग 5039 mm, साथ ही अगर विड्थ की बात की जाए तो 1998 mm, साथ ही अगर हाइट की बात की जाए 2050 mm, साथ ही अगर इसके व्हील बेस की बात की जाए दोस्तों, तो इसके अंदर आप लोगों को 3060 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। और अब बात की जाए इस गाड़ी के कर वेट के बारे में, तो अगर इसके वेट के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को एक बोलेरो के बराबर वजन देखने को मिलता है, जो कि है 2245 किलोग्राम। आप इसके वजन के हिसाब से इसके इंजन की पावर देख सकते हो। अब बात की जाए इसके अगर इसकी कैपेसिटी के बारे में, तो दोस्तों इसके यह गाड़ी 5 डोर्स के साथ आती है। साथ ही अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को टोटल 5 सीटर का ऑप्शन दिया जाता है। इसके अंदर सीटिंग रो की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को टोटल 2 सीटिंग रो देखने को मिलती है। अगर बात की जाए इसके ब्रेकिंग सिस्टम के टाइप के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को फ्रंट ब्रेक डिस्क टाइप देखने को मिलता है, साथ ही रियर ब्रेक भी डिस्क टाइप देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए इसके अंदर एलो व्हील्स के बारे में, तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को एलो व्हील देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को फ्रंट टायर 285/40 R 22 इंच के अलॉय देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर रियर टायर प्रोफाइल की बात की जाए, वह आप लोगों को 325/35 R 22 दोनों आगे पीछे दोनों साइज के टायरों की अलग अलग प्रोफाइल दे रखी है कंपनी के द्वारा। यह भी एक यूनिक फीचर्स मान सकते हो आप लोग। अगर बात की जाए इसके सेफ्टी सिस्टम के बारे में, तो यह अगर NCAP द्वारा टेस्टेड नहीं है। साथ ही अगर इसके सेफ्टी सिस्टम के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो इस वाले वेरिएंट के अंदर टोटल 10 एयरबैग दे रखे हैं, 10 एयरबैग देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर गाड़ी 80 की स्पीड पर रहेगी तो एक बार अलर्ट करेगी, और 120 की स्पीड पर रहेगी तो गाड़ी कंटिन्यूस अलर्ट करेगी। सेफ्टी सिस्टम देखा जाए तो इसके अंदर सेफ्टी सिस्टम कंपनी के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा इनबिल्ट कर रखा है। अगर बात की जाए इसके सेफ्टी सिस्टम के बारे में, तो लगभग ये भी 5 स्टार कार होगी, लेकिन इन्होंने अभी तक इसको NCAP द्वारा टेस्ट नहीं करवाया। अगर बात की जाए इसके अंदर TPMS सिस्टम के बारे में, इसके अंदर आप लोगों को टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है, सीट चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स देखने को मिलता है, सीट बेल्ट वार्निंग देखने को मिलती है। अगर बात की जाए इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में दोस्तों, तो इसके अंदर आप लोगों को ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, साथ ही 4-व्हील ड्राइव जो कि टॉर्क ऑन डिमांड कुछ ऐसा शब्द लिख रखा है इन्होंने, उस हिसाब से देखने को मिलता है। यह भी कुछ नया फंक्शन लगा मेरे को आज। अगर
और भी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो सोलह वेरियंट के अंदर आप लोगों को हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रक्शन कंट्रोल, राइड हाइट एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है। साथ ही अगर इसके अंदर आप लोग लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल की बात की जाए, LHD सिस्टम, यह भी देखने को मिलता है। यह भी कुछ नया सिस्टम है, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हमें। अगर बात की जाए इसके अंदर लॉक एंड सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को इंजन एम्बुलाइजर, साथ ही अगर बात की जाए सेंट्रल लॉकिंग की तो आप लोगों को रिमोट विथ बूट ओपनर, इसके जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है इसमें अगर आप रिमोट से इसका बूट भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर बात की जाए इसके अंदर स्पीड सेंसिंग डोर लॉक की तो यह वाला फंक्शन भी कंपनी के द्वारा इनबिल्ट किया गया है। साथ ही चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी कंपनी के द्वारा इसके अंदर इनबिल्ट किया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके कंफर्ट एंड कन्वेंस के बारे में। अगर एयर कंडीशनर की बात की जाए दोस्तों तो इसके अंदर आप लोगों को ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिलता है। साथ ही अगर फ्रंट AC की बात की जाए तो आप लोगों को 2 जोन इंडिविजुअल फैन स्पीड कंट्रोल के साथ देखने को मिलता है। इसके अंदर रियर AC वेंट्स देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसका केबिन स्पेस थोड़ा कम है तो उस हिसाब से वैसे ही कूल कर देती है। वैनिटी मिरर आप लोगों को ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड देखने को मिलता है जो कि लाइट के साथ दिया गया है। अगर बात की जाए इसके एंटी ग्रिल मिरर के बारे में तो सारे इसके एंटी ग्लेयर मिरर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के देखने को मिलते हैं। पार्किंग असिस्ट के अंदर आप लोगों को इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही रियर पार्किंग सेंसर और फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल, साथ ही क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलता है। इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन भी देखने को मिलता है। अगर बात की जाए स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में, अगर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रिक टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों प्रकार के स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। साथ ही 12 वोल्ट का एक आउटपुट सॉकेट दिया गया है। अब बात करते हैं इसके सीट एडजस्टमेंट के बारे में। अगर ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट की बात की जाए वह आप लोगों को 12 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलती है। साथ ही 3 मेमोरी सीट्स के ऑप्शन दिए गए हैं। अगर फ्रंट पैसेंजर सीट्स की एडजस्टमेंट की बात की जाए तो वह भी आप लोगों को 12 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलती है। उसके अंदर भी 3 मेमोरी फंक्शंस दिए गए हैं। साथ ही अगर सीटों के अंदर मटेरियल की बात की जाए तो लेदर का यूज में लिया गया है। साथ ही स्टीयरिंग व्हील भी लेदर यूज में लिया गया है। अगर बात की जाए ड्राइवर आर्मरेस्ट की तो इसके अंदर आप लोगों को ड्राइवर आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को वेल्डिनेटेड सीट देखने को मिलती है जो कि ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर साइड देखने को मिलती है। इंटीरियर आप लोगों को इसके अंदर डुअल टोन देखने को मिलता है। साथ ही अगर वेल्टिनेटेड सीट्स की बात की जाए तो हीटेड एंड कोल्ड दोनों प्रकार की देखने को मिलती है। आपको हेडरेस्ट इसमें फ्रंट में ही देखने को मिलते हैं, रियर में किसी प्रकार का हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, वो सीट के द्वारा फिक्स्ड है। अगर बात की जाए होल्डर जैसे कि स्टोरेज की तो आप लोगों को इसके अंदर कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं जो कि फ्रंट में है। साथ ही अगर ड्राइवर आर्मरेस्ट की बात की जाए तो वह देखने को नहीं मिलता है। साथ ही कूल्ड ग्लोव बॉक्स इसके अंदर दिया गया है। सनग्लासेस होल्डर भी कंपनी के द्वारा इनबिल्ट करा रखा है। अगर बात की जाए इसके डोर्स के बारे में तो इसके चारों डोरों के अंदर पावर विंडो इंस्टॉल कर रखे हैं जो कि 1 टच डाउन 1 टच अप सिस्टम के साथ ऑपरेट होती है चारों पावर विंडो। साथ ही इसके अंदर आप लोगों को बॉडी कलर डो वारियम देखने को मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल इलेक्ट्रा प्रकार के बल्कि दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर ऑन वारियम, साथ ही इसके अंदर आप लोगों को रियर डिफोगर। एक्सटीरियर की बात की जाए तो बॉडी कलर्ड हैंडल्स की बात की जाए तो आप लोगों को बॉडी कलर्ड हैंडल देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर बात की जाए इसके एक्सटीरियर के बारे में तो इसके अंदर आप लोगों को सनरूफ देखने को मिलती है जो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल प्रकार की दे रखी है। रूफ माउंटेन एंटीना देखने को मिलता है। बॉडी कलर्ड बम्पर देखने को मिलते हैं। साथ ही क्रोम फिनिश एग्जास्ट पाइप देखने को मिलते हैं। अगर बॉडी किट की बात की जाए तो वह नहीं दिया गया है। अगर बात की जाए इसके लाइटिंग सिस्टम के बारे में तो इसके अंदर आप लोगों को LED प्रोजेक्टर प्रकार के हेडलैम्प देखने को मिलते हैं जो कि ऑटोमेटिक है। साथ ही अगर आप इसके अंदर टेल लाइट की बात की जाए तो वह भी LED प्रकार की देखने को मिलती है। साथ ही डाई टाइम रनिंग लाइट की बात की जाए तो भी LED प्रकार की देखने को मिलती है। फॉग लाइट LED प्रकार की देखने को मिलती है। फॉग लाइट फ्रंट एंड रियर दोनों साइड दिया रखी है। साथ ही अगर एम्बियंट लाइटिंग की बात की जाए तो कंपनी के द्वारा एम्बियंट लाइटिंग भी इसके अंदर इंस्टॉल कर रखी है। साथ ही पेडल लैंप्स भी दिए गए हैं। साथ ही इसके अंदर ग्लो बॉक्स के अंदर भी लैंप दिया गया है। जगह जगह इसके अंदर LED का काम किया गया है। आप देख ही सकते हो कि पूरी गाड़ी इतनी महंगी है तो सारे सिस्टम इसके अंदर इनबिल्ट कर रखे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। इसके अंदर आप लोगों को एनालॉग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जो कि मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। यह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एवरेज फ्यूल कंज्यूमिनेशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू MPD, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, डोर हजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, गियर इंडिकेटर, शिफ्ट इंडिकेटर जो कि डायनेमिक प्रकार का दिया गया है, टैकोमीटर एनालॉग प्रकार का दिया गया है। पूरा मीटर इसके अंदर एनालॉग प्रकार का दिया गया है। साथ ही इसके अंदर डिजिटल मीटर है। अगर बात की जाए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो इसके अंदर आप लोगों को अच्छा खासा टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही अगर बात की जाए इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में तो यह म्यूजिक सिस्टम एंड्रॉइड और टॉपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। अगर बात की जाए इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को टोटल 2 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल देखने को मिलता है। साथ ही म्यूजिक सिस्टम, वॉइस कमांड, GPS, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, AUX कनेक्टिविटी, FM रेडियो, USB कनेक्टिविटी। कंपनी के द्वारा इसके अंदर वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। साथ ही इसके अंदर आप लोगों को हेडसेट यूनिट अवेलेबल नहीं दी गई है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल गाड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से कस्टमाइज किया गया है कंपनी के द्वारा क्योंकि एस्टन मार्टिन की गाड़ी है। शायद बहुत सारे लोग तो इसके लोगों को जानते भी नहीं है। जिस प्रकार से इसका लोगो डिजाइन किया गया है, इस कार को डिजाइन किया गया है, जिस प्रकार से इसके एलोविल के
साइज को इन्होंने एडजस्ट किया है, शायद कोई और कंपनी काम करवा दे। अगर बात की जाए लगभग 3 करोड़ 82 लाख रुपए की गाड़ी है, तो गाड़ी के अंदर फंक्शन फीचर्स और भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमने इसलिए इस गाड़ी पर बनाया क्योंकि बहुत टाइम से हमारे वीडियो पर भी रीच कम आ रहा है, तो हमने सोचा आज कुछ नया करके देखते हैं। तो इस वीडियो को अच्छा प्यार देना क्योंकि रोज डेली डेली नई जानकारी लेके आपके लिए बहुत मुश्किल से जुटा के एक वीडियो के अंदर बताते हैं आप लोगों को। साथ ही मैं पूरा वीडियो एक साथ बनाता हूँ, इसमें कोई वॉइस कट नहीं होती है, पूरा वीडियो एक साथ एक लेंथ में रेगुलर रहता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को भी प्यार दें और इसके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा वीडियो? आई होप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे अपने चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स।